हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रोजाना प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी के 10 शब्द जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप अपने घर पर किसी से बात करते हो, या फिर आप मार्केट में जाते हो, या फिर आप दोस्तों से बात करते हो, या फिर अपने क्लास जाते हो पढ़ने, वहाँ पर भी आप इन 10 शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो कि रोजाना उपयोग किए ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने पर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो को कैसी लगी। तो चलिए वीडियो करते शुरू को वैदिक अंश में लेते हुए पहला सेंटेंस है, चलो अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं। तो इंग्लिश होगा लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। सेकंड, जरूर ऑफ कोर्स। थर्ड, ये वाला या वो वाला, दिस वन और डैट वन। जैसे आप कोई चूज सामान करते हैं, ये वाला वहाँ पे यूज किया जाता है। आप कहाँ से हो, जैसे आप कहीं किसी से पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो उसके लिए वेयर आर यू फ्रॉम। उसके बाद क्या आप समझ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड, किसी से पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या आपने वो सुना, डिड यू हियर डैट। उसके बाद से नेक्स्ट, और चाहिए, तो इसके लिए होगा डू यू वांट मोर। उसके बाद से पूछेंगे कि बस ज़रा सा, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं जस्ट अ लिटिल बिट। बिट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, जस्ट अ लिटिल बिट। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है थोड़ा सा बचा है, ए लिटिल बिट लेफ्ट। थोड़ा सा बचा है, ए लिटिल बिट लेफ्ट। उसके बाद से सच में, फॉर रियल। नेक्स्ट, क्या तुमने अभी डकार ली, डिड यू जस्ट बर्प। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं दरअसल मेरा पेट भर गया। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं दरअसल मेरा पेट भर गया, अपने फ्रेंड से या फिर किसी से। एक्चुअली माई टॉमी इज फुल। नेक्स्ट, अगर आप किसी से बोलते हैं मेरा भी, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं माइन एज वेल। तो आई होप वीडियो आपको बेहद पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।